मसला ये है कि जो आज की पंचायतों में मतलब फंड से आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि मतलब इन्होंने कुछ डिमांडें दी कि भाई 7 लाख रुपये आपको मतलब रोड के लिए दिया हमने मतलब नरेगा की तरफ से, लेकिन बहुत देर से बोल रहे हैं लेकिन काम हो रहे नहीं, होते नहीं। उसके बाद ये छोटे मोटे जो काम है मतलब किसी जगह कोई बावली बनानी है, किसी जगह कोई मतलब रास्ता, किसी घर के लिए थोड़ी सड़क ज़रूरत है, वो चीज़ें इधर हो रही है नहीं है मतलब। ये अगर गवर्नमेंट दावे करती है कि हम पंचायत लेवल पे हर एक काम कर रहे हैं, वो तो करते हैं लेकिन यहाँ मौजूदगी पर कोई है नहीं, मगर मौके पर कोई आता, हर एक मुलाजम आता है मतलब बनाता है इसका एस्टीमेट, लेकिन वापस पर काम होता नहीं है। मतलब किसी जगह किसी को मतलब द्वार की ज़रूरत है तो मतलब मिलती नहीं है, बोलते हैं मतलब यहाँ पर मतलब आप फंड से नहीं है, आप ये कागज़ बनाए जाते हैं लेकिन 2011 में इस रोड का काम स्टार्ट हुआ तो फिर आरएनबी ने इस पर मैग्नमाइजेशन क्यों नहीं की? ये तो हमने बार बार बोला सर, लेकिन बोला इस हफ्ते में नहीं अगले हफ्ते में हो जाएगा, या हफ्ता अगला आता है बोलते 2 महीने रुक जाओ, दो महीने के बाद फिर बोलते हैं भाई आप सर्दियों का टाइम आ गया, आप इसको मार्च में लोग डालेंगे, जब मार्च आती है तो बोलते हैं आप जून जुलाई में डालेंगे, जब जून जुलाई आती है तो फिर जनाब बोलते हैं आप नवंबर आ गया, अब सर्दी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट इसका तैयार किया जो यहाँ हुंडी से लेकर गुलमर्ग से मतलब इसके कागज़ कंप्लीट हैं, लेकिन मतलब कागज़ों में हर वक्त हम सुनते हैं कि भाई गुलमर्ग रोड बन रही है, लेकिन यहाँ पर मतलब कोई काम इसका हो नहीं रहा है। बाकी यही गुजारिश करते हैं, अब यही गुजारिश करते हैं कि जो हमारे मतलब में ये हल होने चाहिए लोगों की, हमारे यहाँ से ऊपर ज़्यादा बस्ती लोगों की प्रॉब्लम बहुत है, मतलब इससे भी ज़्यादा लोग जो ऊपर रहते हैं, मतलब 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद लोग मतलब क्लोज भी हो जाएंगे सब, तो इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं अगर ये हमारे प्लान बने ये हमें मंजूर किए जाएं तो। बाकी शुक्रिया सर। मसला ये है कि 2011 में कांग्रेस हुकूमत की क़ियादत में इस रोड का जो है कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ सेंक्शन हुई थी, उसके बाद ये छोटा मोटा रोड उन्होंने बना दिया जिसमें 4x4 गाड़ी जैसे मिलिट्री गाड़ी या कोई ऐसी गाड़ियां वगैरह आ सकती हैं, बाकी छोटी मोटी गाड़ी चलने के काबिल रोड ही नहीं है। तो हम आला हुकाम तक ये बात पहुँचानी चाहते हैं कि हमारी लोगों की जो ये प्रॉब्लम है रोड की, ये दूर की जाए और इसको अगर PMGY के अंडर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटे मोटे रास्ते जो हैं जहाँ पर तंग रास्ता है वहाँ लोगों को मुआवजा भी नहीं मिलता है, और अगर किसी ठेकेदार को काम गवर्नमेंट देती है तो ना वो ड्रेन बनने की जगह उसको मिलती है ना कोई मतलब ऐसा हिसाब ही है। इसलिए गवर्नमेंट से हमें मतालबा ये है कि इसके लिए मतलब वैसी कुछ सेंक्शन हमें दें जिससे मतलब जो ठेकेदार काम करे वो ठीक तरीके से काम को अंजाम लाए। बाकी हर कोई भी हाकम यहाँ पर आता ज़रूर है लेकिन वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आता कोई नहीं। अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तकरीबन ये रोड बनने के बावजूद भी गाड़ी चलने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को कंधे पर उठा के डेड बॉडीज जैसे हैं ऐसे लोगों को बेचारियों को लानी भी पड़ती हैं और ले जानी भी पड़ती हैं, बीमार को ले जाते हैं। 2011 में इसका काम स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक आप आला ऑफिसरों के पास गए थे? वो सब हर कोने कोने हमने गए, उसके बाद में हमें एक सेंक्शन महबूबा जी की दौर में मतलब हमें एक सेंक्शन मिला था कि यहाँ होंडी से लेकर गुलमर्ग टच के लिए मतलब हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो 4 करोड़ कुछ रुपये का दिखाया गया। उसके बाद एक ठेकेदार आया, उसने थोड़ा सा काम किया तो वैसे ही वैसे आधा छोड़ के वो चला गया। उसके बाद दफ़ा 370 की मतलब जो प्रॉब्लम लोगों की खड़ी होगी तो उस प्रॉब्लम की वजह से हमें ये बताया गया भाई ये प्रॉब्लम होगी, छोड़ के उसके बाद कोई नहीं आया ना मतलब अभी सुनता है। कभी हमें स्लाइडिंग आ जाती है, बारिश हो जाती है, बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे हम तकरीबन 4-5 महीने लोग यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे रोड के ऊपर बीमारों को ले जाते हैं और उधर से तोबा कोई अगर मर जाता है बेचारा उसकी डेड बॉडी कंधे पे उठा के लाते हैं क्योंकि वजह रोड की है। तो इसलिए हमारा गुजारिश है, आला हुकाम से गुजारिश है कि इस रोड के बारे में हमें कुछ किया जाए। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कोचिंग फॉर 11th-12th आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स विद वैलीज टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड। विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर, कॉल ऑन 9622888333, 9469888333।